पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोरिया जिले के नगर चिरमिरी की जनता को जब पता चला कि बिलासपुर से रेलवे की 7 सदस्य टीम चिरमिरी के नागपुर के बीच 10 किलोमीटर की नई रेल लाइन का सर्वे करने पहुंची है, जिसे जानकर जनता में काफी हर्ष व्याप्त हुआ। बताया जाता है कि काफी लंबे समय से कोरिया जिले की जनता की मांग थी कि अब पूरी होती देखी जा रही है। नागपुर से चिरमिरी के बीच कोई स्टेशन नहीं होगा। अनविका से ट्रेन सीधे चिरमिरी और यहां से महेंद्रगढ़ जाएगी, जबकि 2013 में पहला सर्वे हुआ तथा 2015-16 में 69 करोड़ का DPR प्रोजेक्ट में 241 करोड़ खर्च होंगे, जिससे कि 2 लाख वाली आबादी की जनता को व्यापार, मेडिकल, शिक्षा सहित व्यवस्था मिलेगी। रेल लाइन के निर्माण के बाद अनविकापुर से बिलासपुर, दुर्ग, अनूपपुर, जबलपुर रूट पर आने वाली सभी गाड़ियां चिरमिरी होते हुए गुजरेंगी। सर्वे के लिए बिलासपुर जोन से आए अधिकारियों ने जल्द से जल्द काम शुरू करने की रूपरेखा तैयार की। भूमि अधिग्रहण के संबंध में राजस्व विभाग से सर्वे कराने और कलेक्ट्रेट से चर्चा भी किया गया है। ज्ञात हो कि 2017 में पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच CM हाउस में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित कई रेल परियोजनाओं में कोरिया जिले की चिरमिरी नागपुर के बीच लगभग 80 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने के लेकर भी MOU पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें 50% केंद्र और 50% राज्य सरकार के द्वारा खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। अब देखना तो यह है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर जल्द से जल्द इस रेल लाइन में कार्य शुरू हो जाता है तो चिरमिरी और महेंद्रगढ़ जुड़ेंगे। इस क्षेत्र को स्थायित्व भी मिलेगा और रोजगार के भी बढ़ने का भी आसार है, जबकि चिरमिरी क्षेत्र की कई कोयला खदान बंद के कगार में पहुंच जा रही हैं। ऐसे में रेल लाइन के चिरमिरी तक आ जाने से और 15 ट्रेनों का आवागमन